भारतीय शर्म शर्म आती हिंदुस्तानी हाँ सब गोरो गोरो के सफेद मेकअप लगा के कहाँ से आई हो नीले आसमान से हाथ नीचे कर दो जाओ भी सबके सर थैंक यू वेरी मच हाँ मैं लोग को जरा घर छोड़ के आता हूं इंडिविजुअली हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो एंड वेल वेलकम टू बिग बॉस ये किसका गिरा है हाय सो वेलकम टू बिग बॉस नाउ इस बार का थीम है डबल ट्रबल क्योंकि बिग बॉस 9 का इस बार है ओनरशिप डबल कलर्स भी और फिर मैं भी क्योंकि इस बार बिग बॉस 9 इज माइन अब ये सोचो कि कौन सा माइन एक होता है गोल्ड माइन एक होता है लैंड माइन कभी कभी गोल्ड से निकल के आदमी को लैंड माइन पे पांव रखना पड़ता है और बहुत ही डेंजरस होता है वो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड कम और लैंड माइन ज्यादा होंगे कहां पर बिग बॉस के घर में बिग बॉस सीजन 9 क्या लगता है आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं इस बार अब ये बोल के देखने पे मजबूर कर दिया आपने वैसे मैं आपको देख रहा था नहीं जो पीछे हंस रही है इनको ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि इस बार सीजन 9 में डबल ट्रबल नहीं होगा क्या लग रहा है आपको होगा कि नहीं होगा ओहो क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है शेयर कर देता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देना अच्छा है सरप्राइज देने के लिए जाऊंगा हिंदुस्तान को शॉक मिलेगा काय को क्यों इसको थोड़ा 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 अनवील होने दो रिवील होने दो बिग बॉस सीजन 9 डेट क्या है कब से स्टार्ट हो रहा है वाह फॉलो करती हो आप कमाल है टाइम मंडे टू फ्राइडे 10:30 10:30 क्यों 10:30 इसलिए क्योंकि अशोक का बहुत अच्छा चल रहा है अपना 9 क्यों करेक्ट बात है कि ये हिरल कैसी थी आप जानते हो हिरल को तो हाँ तो अब मैं किसी चीज को बुलाने जा रहा हूं यहां पर स्टेज के ऊपर ले जाओ भाई सेटिंग आओ सेट करो मुझे ये काश मेरी लाइफ में वापस नहीं आए मैं जो कुछ भी बोलूंगा सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा तो आज जो पूछना है आप लोगों को आप पूछ सकते हैं एनीथिंग हर एक सवाल का जवाब देंगे तो इसके बाहर में कितना अच्छा लगता हूं ना हाँ तो क्या कह रहा हूं मैं कि जो पूछना है पूछिए आप
हर सवाल का सही सही जवाब दूंगा मैं। ऐसा आज नहीं कहूंगा, वैसे ये मेरे लिए नहीं है आज, ये मेरे लिए नहीं है, नॉट फॉर मी, इट इज फॉर अदर कंटेस्टेंट्स, एक्स कंटेस्टेंट्स, वो यहां पर आएंगे, हम उनसे पूछेंगे सवाल, बट एक आध दो के बीच में आप मुझे भी दे सकते हो। एक्स कंटेस्टेंट्स हाजिर हो। इतना टाइम ले लो अपने पॉल पचीनो। राजीव पॉल, पॉल पचीनो, सिद्धार्थ सेठ, हेलो, कैसी हो मैडम? हाँ, तो आप सबको जानते ही हैं, उर्वशी, प्रीतम, पुंज, चलो हटो साइड में, संजय दत्त बहुत कोशिश कर रहा है, संजय दत्त, रॉकी का संजय दत्त इस एज में, ये देखो सना, सना की याद में क्या हो गया इसको। करिश्मा नाम क्या तेरा? अली कुली मिर्जा एंड हमारे पंडित जी प्रणीत। तो ये जो लोग हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले सीजन के अंदर काफी ट्रबल दिया है, बहुत सारा ट्रबल दिया, मुझे कम, लेकिन ये अभी भी इनको ट्रबल दे रही है। देखो वो जो तेरा वो परफॉर्मेंस नहीं था, तू ऐसा है, कंसिस्टेंट है, तू जैसा घर में था वैसे तो बाहर भी है। चलो आप सब अपने अपने डबल के साथ, पैर के साथ जाके बैठ जाइए अंदर, आइए आइए, ये खो गया है भाई, तुम्हारी पैरिंग इधर है, ये तुम्हारी पैरिंग इधर है, उधर नहीं। काफी ट्रबल किया है लोगों ने, तो इनसे हम लोग डबल ट्रबल रिलेटेड सवाल पूछेंगे। आ जाओ। पुंज, 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 पिछले सीजन जो आप घर में थे उसका हैंगओवर अभी तक है? हाँ जी, बाकायदा है, ऐसा जबरदस्त हैंगओवर है, बहुत पॉजिटिव हैंगओवर है। आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 20 किलोज एंड आई केम आउट फेल्ट यंगर एंड एनर्जेटिक, वेरी नाइस। एंड देन यू पुट इट बैक ऑन अगेन, क्या वापस घुसने का इरादा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है, आई पुट ऑन अबाउट 5-6 किलोज ऑफ मसल, आई बीन ट्रेनिंग। लवली, आप और अली में से डबल कौन है? मैं जानता हूँ ये डेढ़ है, इसमें थोड़ा सा आधा और डाल दो तो ये डबल हो जाएगा। हम दोनों में आप मुझे बोलने की बोलते ना, हाथ कंगन का आरसी, क्या लोग देख सकते हैं डबल कौन है। और ट्रबल, ट्रबल भी जानते हैं आप, पिछली बार इतना डर के ये बिग बॉस के घर छोड़ के भागने वाला था, तो ट्रबल भी मैं ही हूँ, डबल भी मैं ही हूँ। क्या बोलते हो अली? सर ये ट्रबल भी है, डबल भी है, और ये मैं तो कहता हूँ ये पुरुष महापुरुष, मुझे तो लगता है ये कुछ करेंगे तो नहीं ना सर आप? हाँ, ये यही है सब कुछ, आत्मा भी यही, मनुष्य भी यही। स्माइल देखिए आप। अगर एक्स कंटेस्टेंट्स को लेके एक सीजन हो तो इनमें से आप दोनों को कौन सी जोड़ी एकदम जबरदस्त लगती है? सर जबरदस्त लगती है करिश्मा और उर्वशी की जोड़ी, बाकियों की तो शक्ल बहुत पुरानी हो चुकी है। ये कौन बोला? तू बोला? ये व्हाट डू यू थिंक? या आई एग्री। क्या, किस बात पे? ऐसे बोल दिए तो एग्री। हां, वी आर डेफिनेटली द बेटर लुकिंग वंस। वैसे अच्छा, हाँ वैसे तो ट्रबल हैं, करेक्ट है, लेकिन अगर वैसे ट्रबल के लिए जाओ
तो आई थिंक आप होगी पौना ट्रबल, क्योंकि आपने तो घर में ट्रबल ना लिया ना दिया, आपका थोड़ा सा आप मैं ट्रबल भी हूँ, डबल भी। आप ट्रबल भी हैं, डबल भी हैं। बिल्कुल। Who has been the biggest trouble in the Big Boss House? मैंने सब सीजन देखे हैं। In all the seasons, yeah. All the seasons. All the seasons. जो एकदम पहला नाम instant आता है, One Man Army is Dolly Bindra. Dolly Bindra आता है और जो लड़कों में ये सिद्धार्थ भारद्वाज ने जो तंग किया था, he was brilliant. इतने तंग किया था, he was brilliant. कमाल है यार। ट्रबल के भी पॉइंट्स मिलते हैं यार। सर थर्ड आया था लड़का। थर्ड आया था ये। नहीं थर्ड इसलिए आया था कि आधे सीजन के अंदर सुधर गया था ये। अब माइक दो और बताओ कारण भी बताओ क्यों सुधरे थे तुम। मैं तंग किया नहीं था, मैं तंग होने से बहुत अच्छी तरह बचा था। सो आई थिंक दैट्स व्हाई। और वो क्योंकि मैं आधे सीजन में सुधर गया था जैसे आप बोल रहे हो, मतलब लाइन पे आ गया था, मेरे को आधे सीजन तो समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्यू पकड़ी और मैंने कहा अच्छा इधर जाना था और मैं गलती से बहुत लंबा उधर चला गया, तो फिर मैं धीरे 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 इधर आया और स्पीड पकड़ के काफ़ी अच्छा हो गया। इसलिए मैं आई थिंक इंडिया में यंगेस्ट था जो फाइनल में आया था और आज तक हूँ। मतलब इस एज में भी आज तक हो? नहीं नहीं सर, वो रिकॉर्ड आज तक है। प्रीतम और पंडित जी, प्रणीत, किसी अच्छे इंसान के लिए उसके घर में सबसे बड़ा डबल ट्रबल फैक्टर क्या होता है? सर अपनी गरिमा को बचा के रखना सबसे बड़ा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखना मेरी नजर में। और बिग बॉस के घर में सर वही काम आता है सर, क्योंकि जो बाहर है वही अंदर है सर, उसमें कोई चेंज नहीं है सर। मुखौटा सर कब तक आप पहन के रखेंगे, कभी ना कभी तो उतर ही जाएगा। तो जैसे हैं वैसे रहेंगे तो बेहतर है। राइट सर। एक बात बताओ, जो आपको सुनने वाली जो लेडीज हैं रेडियो पे और जो बिग बॉस की लेडीज हैं उनमें क्या अंतर है? सर रेडियो पे जो लेडीज हैं वो सिर्फ सुनाई देती हैं, बिग बॉस की सुनाई भी देती हैं, दिखाई भी देती हैं और बहुत जोर से सुनाई देती हैं। आप? सर यही, मैं इनसे सहमत हूँ, प्रीतम से अपनी गरिमा को बचाना बहुत। बोल देंगे तो काट देंगे ये। सर शादीशुदा मर्द और क्या बोल सकता है सर, आप समझो सर। अली? यस सर। तू सारा दिन गाते रहता है? जी सर, नहीं मतलब कभी कभी। एजाज को बुलाऊं? मत बुलाओ सर, फालतू में मुझे गुस्सा आ जाएगा फिर मैं चला जाऊंगा। काश सर अगर आप बोलो तो एक सुनाओ कुछ आपके लिए। हाँ सुना दे सर। तेरे भागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, तेरे भागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत, ट्रबल दे जाता हूँ मैं देर करता नहीं, ट्रबल दे जाता हूँ। बिग बॉस के घर में आए 15 मेंबर हैं, इधर उधर कुछ नहीं, सिर्फ नीला अंबर है बिग बॉस के इस ट्रबल ट्रबल में। अब होगी असली मस्ती, आओ तो जरा देता हूं तुम्हें सस्ती सस्ती। दूं क्या भाई, दूं क्या? इधर आ, मैं देता हूं, इधर आ, इधर आ। वहां दिख रहे दो लोग, एक की शर्ट पहन के। जी कौन है, कहां पर है, दिख रहे तेरे को? कौन है यहाँ पर जो यहाँ पर एक ही शर्ट पहने? ये प्लीज मत डालो, ये ट्विटर फेसबुक पे मत डालो, इसका बहुत फायदा होगा, मैं नहीं चाहता। और सुन और सुन और सुन और सुन मेरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ कि तू जब कोई पूछे ना मेरे बारे में कुछ, हाँ तो बोलना नहीं, वो खुद ही का हैंडल करेंगे भाई, हमको इसमें कोई नॉलेज नहीं है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये तो एजाज बोलता है सर, मैं तो बोलता ही नहीं। आपको सर भी बोल, सबको बोल दे, वही बोलते हैं। हाँ मैं तो सिर्फ बोलता हूँ। हाँ पहले आते मदद करने और तकलीफ देकर जाते हो सर। लेकिन मैं नहीं बोलता सर, ये गलत फहमी हो गई। नहीं नहीं कोई गलत फहमी नहीं। चलो किधर है ये सर,
आहा, ये लो आ जाओ, आ जाओ भैया ऊपर आ जाओ। आहा, आइए आइए। चीटिंग नहीं है ये, चींटी है, चींटी काट लेगी बहुत जोर से। दिनेश आइए आइए आइए। फर्जी फर्जी लोग है अपने, अपने अपने लोग है। मैं ओरिजिनल बुलाता हूँ, आइए मैं बुलाता हूँ ओरिजिनल। आइए भाई इसको उतारिए आप लोग। सुनो हेलो, अबे ये तो है यार, इसको तो देखा मैंने, जो जर्नलिस्ट ना, ये अभी बना है, अभी एक साल, थ्री इयर्स। आप लोग ऐसा करो साइड में आ जाओ, इसको उतारो मैं, हम चुनते हैं। अब आ गए, अब इनकी मर्जी थी। सर मैं चुनू क्या एक गाके? नहीं ठीक है। हाँ क्या, मैं चुनता हूँ ना, एक मैं पहनूंगा, एक अपने साथ में किसी को लूंगा ना, मैं कहाँ बैठूंगा इसमें बीच में? आप उतारो ना, एक तो उतारो। तो ऐसे रहना, बीच में चले ना, ऐसे हो जाएंगे, साइड में हो जाएंगे, तीन आ जाएंगे। अच्छा आपको, आप आ जाओ, थोड़ा बीच में आओ। हाँ भैया, तो आप लोगों ने, अब मजा आ रहा है इसमें? हाँ ओके, नहीं मजा आ रहा है ना, तो जरा जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, जोरदार बजाओ ना। ये देखो थोड़ा सा इसको आगे कर भाई, थोड़ा सा आगे करो दुकान। हाँ तो ये गाना इन दोनों के लिए गाएंगे। ये मैं बोलता तो मवाल खड़ा हो जाता। तो एवरीबॉडी, मिलेगा ना इनके जैसा दीवाना, जहां में तुझे ले चलेंगे, जहां भी कहेंगे वो वहां में तुझे। बिग बॉस 9 में डबल ट्रबल है बेबी, ये देखो दोनों के दोनों अब आपस में बिल्कुल नोचेंगे। तो जोरदार तालियां इन दोनों के लिए बजाइए, क्योंकि इस बार बिग बॉस 9 में वी गॉना रॉक। या गाना आता है कुछ भाई का, गाना आता है गाना? हाँ सुनाओ जरा, इसी मुंह से सुनाओ। आंखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था, हुआ ना हो तो से बया, खुद से नाराज हूँ क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा, दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता इस हक से कबूल ये है हीरो हमारा, ये है हीरो हमारा, ये है हीरो हमारा। तालियां बजाओ उनके लिए, जोरदार ताली बजाओ यार। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स सर। कम करे, एक और है, कोई और है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब यार सो तू हर जगह पहले भी आया था ऊपर, इस शर्ट में नहीं आ रहा सर। आइए इधर आ जाइए। सर की फिल्म का आप लोगों को ऐसा गाना गाना है, मुझे पता था आप ब्लैक पहनेंगे, इसलिए मैं भी ब्लैक पहनूंगा। बहुत अच्छा, वाह वाह कमाल है। लिखते हुए समझ में नहीं आता है सर। नीला है, देखो ध्यान से नीला है। अगर बुरा नहीं लिखोगी तो अखबार और टीवी कैसे चलाओगी मैडम? अब एक ऐसा गाना गाओ जो सर के बहुत करीब है, या ऐसा आप दिल से गाए। हो गया मेरा भाई, चल गाती हो। गा दो। ओ जाने जाना ढूंढी तुझे दीवाना, सपनों में रोज़ आए, बैठ जा बेटा, आ जिंदगी में आना सनम। आ जाओ पॉल पचीनो के पास, आ जाओ पीछे आ जाओ, एक टॉवल लेके आओ, दो टॉवल लाओ, दो टॉवल लाओ। मुझसे शादी करो किस पे? एक पुनीत का है और एक अली का है, कौन सा वापरना चाहोगी आप? अभी नहा के आए ऊपर से, बदन पोंछ पाछ के। ये अब एक टास्क करना है आप लोगों को, अभी गाना बजाएंगे आप लोगों के लिए, और वो वाला जो स्टेप है ना, इसमें करना है आप लोगों को। आ जाओ इसमें 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 इसमें। नहीं नहीं शर्ट रहने देना यार, शर्ट रहने देना, तो कैसे ये मुंह में ले ले इसको। ये तो चैलेंज है डबल। अब सोचो यार यहाँ पर इतनी परेशानी होगी, घर के अंदर कितनी परेशानी होगी। आ जाओ, ये है सैंपल डबल ट्रबल का। हो
इसका मतलब मेरे को कुछ कुछ आइडिया आ रहा है, अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो कंटेस्टेंट्स अंदर जाएंगे उनका क्या हल होने वाला है, क्योंकि हर चीज साथ में तो समझ रहे हो क्या होने वाला है, बहुत बड़ा डबल ट्रबल है। अरे सर ये तो कानों के लिए भी खराब है, नाक के लिए भी खराब है सर ये तो। अगर इतने डिस्टेंस क्यों, रेडी सर गाना। अरे वो जो चीजें हैं कुछ ले आओ जल्दी जल्दी करो। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कुछ चीजें हैं, लाओ लाओ जल्दी लाओ, जल्दी लेकर जल्दी लाओ। प्रीतम जी सर आ जाओ। ये 1 2 3 जी सर केला। तो ये 3 चीजें अगर घर के अंदर आप किसी तरह से स्मगल कर ले जाते हो, एक ही चीज कोई भी जी, तो इसका घर में दुरुपयोग, ट्रबल करने के लिए, डबल ट्रबल पहुंचाने के लिए क्या? सर केले ले जाऊंगा। नहीं सर केले ले जाऊंगा, इसको पॉज मत दिया कर, तुम यार सीधा डायरेक्ट बोलो। सर केले ले जाऊंगा, केले इसलिए ले जाऊंगा कि देखो सर 2 काम करेंगे जी सर। एक तो लोगों का पेट भरेंगे क्योंकि बिग बॉस में खाना जो है थोड़ा कम मिलता है। दूसरा जो ट्रबल कर रहा है सर, केला खा के फेंक दो सर, जो जुबान से फिसला हुआ जमीन पे भी फिसले सर, क्या बात, ताकि उसको लंबी तक रियलाइजेशन हो। थैंक यू सर। आप किसको बुला जाए? अली तू दिखाई दे रहा, मैं तुम्हें बुला नहीं रहा हूं। उर्वशी का तेरा हो गया भाई, तेरा काम हो गया। आप उर्वशी क्या लेके जाएंगी? हथौड़ा। हथौड़ा क्या इस्तेमाल है वहां पर? कुल्हाड़ी सुना था? नहीं, हथौड़ा, वहां पे हथौड़ा बेस्ट होता है। कुल्हाड़ी अंदर तक लाना बहुत मुश्किल है, अब आप प्रॉप्स दे रहे हैं तो ये लेके जाओगे। लेकिन लेकिन डबल डबल ट्रबल कैसे? डबल ट्रबल कैसे इसका? दोनों एक साथ रहेंगे जी, एक ने मारा उसी वक्त मारो दूसरे, आपको एंटरटेनमेंट की कमी नहीं रहेगी, एक दूसरे को हथौड़ा मारते रहना है। एक चीज बची अभी, कौन आएगा उसके लिए? करिश्मा यू डोंट कम। आई मीन लाइट ऑन इज ऑलवेज गुड या। सुजाता स्टॉप लाफिंग एट ऑल दीज थिंग्स दैट यू थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ पुंस। क्या यार कुछ भी किसी भी चीज पे हंसते हैं लोग, नाम खड़ा कर लो। हिरल बेब सर ये जो लेके जाओगे आप, तो इसका आप क्या करोगे घर के अंदर? इसका एक ही उपयोग हो सकता है। ऑन कर सकते हो इसको कहाँ?
तो कि ये इसको जो ऑन करने का, ये बेसिकली एक लोगों को बताएंगे कि भाई अपनी जो बत्ती है उसको जगा के रखो और एकदम सेनिटी खो मत बिग बॉस घर के अंदर, और सही जो गलत क्या है बिल्कुल उस पर ध्यान दो, बहाव में बह मत जाओ और बी योरसेल्फ। तो ये उनको बेसिकली सर, ये तो हुआ, ये तो हुआ बाबा पुनीत सर। अब बाबा पुनीत सर क्या करें इसे सर? नहीं, क्योंकि आपने कहा कि वहां से आ गए हो, यंगर हो गए हो, फिटर हो गए हो। सर जो पंगा करेगा ये तोड़ के उसके बेड के नीचे, पैरों के नीचे उसके। नाच बसंती नाच। हाँ जी, आज तेरे क्या वो बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। ओहो, ये मैं ले जाऊं। और कुछ कोई इंप्रोवाइज करना चाहेगा? हाँ आ जाओ भाई, तुम्हारा शैतानी दिमाग चल रहा होगा इस वक्त। पॉल पचिनो, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तू ये लेके जा और कभी लाइट ऑन करना ही मत तू अंदर। ये तू घर पे भी लेके जा और लाइट ऑन बंद ही रहने देना, सही फायदे में रहेगा। जहां लाइट ऑन हुई सब भाग जाएंगे। सर क्या होता है? जी सर, बिग बॉस में लोग चीजों की वजह लड़ते रहते हैं। जी, ये मेरे को दे दे, ये मेरे को दे दे। जब कोई नहीं देता तो इरिटेट होकर बोलते हैं बत्ती बना ले इसकी, तो बोलने से अच्छा ना बेटर है। चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेके जा भाई अपनी बत्ती। अब मैं स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा उन्हें जो है कलर्स के सीईओ, यानी कि कलर्स के चेक्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, पैसे हमको यहां से मिलते हैं। मिस्टर राज नायक साहब किधर हैं आप? सर वहां अलग है क्या? हाँ हाँ ओके सर, हाँ जाओ सर, प्लीज जल्दी जाओ सर, बात जाओ सर। तो मिलते हैं, चलो पूछ देता हूँ क्या। सना कैसी है? सना कैसी है? सर राजनायक साहब, पॉल पचिनो पूछ के गए कि मुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तो मैंने जाते जाते उनसे पूछ लिया कि सना कैसी है, जो कि उनको पता ही नहीं। सर आपके लिए डबल ट्रबल क्या है? सर मेरा डबल ट्रबल तो अप्रैल महीने में ही शुरू होता है। सबसे पहले मेरे घर में शुरू होता है। मेरी बेटी और मेरी बीवी पूछते हैं कि सलमान भाई इस बार बिग बॉस में है कि नहीं। मेरा ड्राइवर मुझे पूछता है इस बार आप सलमान भाई को ले रहे हो नहीं कि नहीं। उनको ये पता नहीं कि सलमान खान का सबसे बड़ा फैन मैं हूँ। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा एक्चुअल ट्रबल तब शुरू होता है कि जब मेरे को इनका जो मैट्रिक्स है, इनका जो एजेंसी है, उनके साथ जब डील करना पड़ता है, मेरा ट्रबल वहाँ से शुरू होता है। मेरे इस बार डबल हो गया, तो इसलिए डबल ट्रबल है सर आपके लिए। पैसा भी डबल होता है। और फिर मेरे को विवेक कामत कहाँ है, उसके साथ मेरे को 10 ब्रेकफास्ट मीटिंग करने पड़ते हैं, मेरा ट्रबल वहाँ से शुरू होता है। नहीं बट ऑन ए सीरियस नोट, नहीं नहीं सीरियस नोट ही था सर, ये सीरियस ही था, इसको आप लोग जोक पे मत लो प्लीज, सीरियस है। मगर बिग बॉस में ट्रबल तो आप जानते हो, और सलमान भाई भी है तो डबल ट्रबल तो होगा ही। मेरे लिए क्या डबल ट्रबल सर है? कुछ इन स्टोर? ओहो सर डराओ मत सर, वैसे ही डरा हुआ हूँ आजकल। नहीं नहीं हाँ। आपको कौन डरा सकता है सर? बहुत लोग हैं सर जो आजकल डरा रहे मुझे। हाँ सर, तो सर अगर इस साल ये शो पिछले साल से डबल अच्छा किया,
तो सर क्या लगता है आपको सर? बस हमारी प्रोग्रामिंग हेड जो मनीषा शर्मा या बेटी है उसको तो कहाँ है मनीषा, हमने तो उसको बोला है कि रेटिंग भी डबल होना चाहिए साहब। सर रेटिंग तो बढ़ गई थी जब फारा खान आई शो के ऊपर। जैसे मैं गया हूँ आपकी रेटिंग, मैं वो हूँ सर जो आपकी रेटिंग कम लाता हूँ। नहीं नहीं देखो, जब महल बनता है ना फाउंडेशन स्ट्रांग होना पड़ता है। आपने फाउंडेशन बना के गए थे, ऊपर हमने ईंट लगाई। मतलब मेरा झगड़ा क्या, इनका झगड़ा मुझसे यही है हमेशा थ्रू आउट कि मतलब कम करो यार इसको, कम करो इसको, नहीं नहीं इसको चढ़ाओ इसको चढ़ाओ। तो इनकी जो TRP रेटिंग है ये देयर इज ओनली वन एंड वन पर्सन ओनली जो इसको कम कराता है, वो यू नो इट्स मी सर, एंड आई रियली अपोलोजाइज। एंड आफ्टर दैट, उसके बावजूद आपको मुझे शो में लेना, सर महान हो सर आप। अब किसको बुलाया जाए सर? गेलिन, वेर यू गेलिन? गुड इवनिंग सलमान खान गाइस, हाय राज। सुन के पहचाना इन्होंने? या यू कैन डू। ऑलराइट सबसे पहले तो बुलाना चाहिए हमारे जो हर साल हमारे साथ खड़े होते हैं, हम एंडोमॉल के मैनेजिंग डायरेक्टर जो है दीपक दल। दीपक, लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर दीपक धर प्लीज। कार्डियो स्टार्ट हो गया इनका बिग बॉस 9 से पहले। आते हैं हम सब इस एक सीज़न ख़त्म करने के बाद थोड़े से हट्टे कट्टे, और जैसे जैसे सीज़न स्टार्ट होता है सब ऑटोमेटिकली, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सब पेट वेट सब अंदर चला जाता है। बिल्कुल, क्योंकि आपको देखते रहते हैं तो लगता है कि हम भी थोड़ा फिट हो जाएं। और आपको देखते देखते सर मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इस शो को रॉक कर दूँ सर। बिल्कुल, कोई चॉइस ही नहीं है। क्या लगता है सर, सर सर इस बार क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं सर? स्ट्रैटेजी तो बहुत है, बट मुझे कहा गया है कि ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं। नहीं नहीं बोलो सर, बोल नहीं सकते हैं। अच्छा, मतलब शो के बारे में नहीं बोल सकते, सब पता है सर स्ट्रैटेजी तो जैसे हमने लास्ट टाइम एयरलाइन थीम किया था, उसके पहले जन्नत जहन्नुम किया था, इस टाइम डबल ट्रबल, तो सब कुछ डबल। लेकिन मेरे को भी समझाओ, साथ साथ ही समझाओ कि डबल ट्रबल है क्या? ऐसे डबल डोज, डबल डबल एंटरटेनमेंट, डबल मजा, डबल ट्रबल, तो सब कुछ डबल होगा, तो देखते हैं कैसा जाता है ये सीजन। आई होप कि डबल सब चीज डबल हो, अपने लिए सिर्फ ट्रबल ना हो सर। सॉरी, अपने लिए सर, अपने लिए सर। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं सर, क्योंकि अपने लिए डबल ट्रबल होगा सर। सलमान खान का पैसा डबल नहीं होता है, एंडमाल का भी पैसा डबल होता है। वो आप ट्रबल वाली बात बोल रहे हैं। सो व्हाट्स द प्लान दिस ईयर सर? द प्लान ईयर प्लान दिस ईयर इज टू मेक बिग बॉस, आई थिंक इट्स वन शो दैट्स सिनोनिमस, इट्स अ कल्ट शो एंड पीपल हैव बीन आस्किंग अस व्हेन इट्स कमिंग 11th ऑफ अक्टूबर। The plan this year is to make it more engaging, but more importantly, what I don't know whether you noticed, over the last 3 years, Big Boss has actually, from I think it was 2 years back when we started doing a parivarik show, we changed from what it used to be to making more a family viewing show, and it has paid big dividends. Our ratings have been very high, and that's the path we would like to take this year as well, and hopefully you will see. There will be entertainment, there will be fun, but it will be in the family zone. That's answered the sponsors this year. You know, one thing about Big Boss, and I keep saying this to a lot of people, anybody who comes on Big Boss normally doesn't get off. You know, we had Vodafone for 5 years. Last year we had Snapdeal. They are back this year as well. We had Oppo Mobiles last year. They're back this year as well. We've got Maruti, we've got Garnier, all of them are back. And I think this time we have Snapdeal with us. Really? Should we call them on? Oh, please call them, please.
Right. It's now time to call on stage Mr. Jay Kishan Chapru, head of media, Snapdeal. A huge round of applause for him, ladies and gentlemen. And along with that, I'd now like to invite on stage Mr. Will Yang, the brand director of Oppo as well. Ah. That's Mr. Jay Kishan Chapru, ladies and gentlemen, the head of media for Snapdeal. And here's Mr. Will India Yang. India, bye bye. Talia. जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पैसा खर्चा कर रहे हैं इनके बदौलत है। करेक्ट है सर, इन्हीं के हिस्से में आते हैं सर। मिस्टर जय किशन को लोगे? सर, विल यू प्लीज लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स? प्लीज सर, आमिर की तारीफ में क्या क्या बोलोगे? ब्रांड एम्बेसडर आमिर है ना? हाँ बोलिए सर। आप पुरुष नहीं, माँ पुरुष हैं। और ये बोला है आमिर ने, ये देखो। अरे सर, आइए बोलिए सर। सो द एसोसिएशन ऑफ स्नैपडील विद बिग बॉस हैज बीन रियली सक्सेसफुल। द काइंड ऑफ इंटीग्रेशंस, ब्रांड एसोसिएशंस, द वर्चुअल बिग बॉस हाउस दैट वाज क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम रियली वर्क्ड वेल फॉर द ब्रांड। इन फैक्ट with Big Boss, Snapdeal became a household brand. This year, with the theme being double, I would keep the trouble out and expect the integrations and everything to go double. All right. Mr. Will Yang, would you like to add a few words about your association with Big Boss this year? Bolo sir, bolo sir. Dil khol ke bolo sir. It's a very good news that we so Mike, can... Mike closer sir, Mike. Okay. We are very excited to renew the association with Big Boss this year, and it really do a big help to our business and our branding awareness in this market. And we will cherish this moment, and we hope that we can have more opportunities in the coming years. So now, if you say the same thing in Chinese, really? Yes, yeah. Slowly. Slowly. That is too long. It could be a little bit. Okay. 我们很高兴在这里和 Big Boss 做再一次的合作。समझे क्या बोले? समझे? अरे बोल रहे इंडिया चीनी भाई भाई। Thank you. Well, Thank on you, that sir. note, I'd now like to please. Get a picture with all these lovely gentlemen right here. Selfie le. Okay. It's time for a selfie, gentlemen. Let's go for it. Dekha, inko hi apna phone samajh mein aata hai. Question, sir? Yes, with the... Hi, my question is to Mr. Raj Nayak. Sir, you're straight. Yeah. Please stand up. She's standing, yeah. She's standing. Could you please stand up, please? She's standing. She is? Oh. There. Sir, how did you arrive at this theme of double trouble? I didn't arrive at this theme. I mean, we how have... How honest... We have a programming team that works, they ideate over a period of time, and every time they work on different creatives, and this time they came with the theme of Double Trouble because they found that what they plan to do in the house is going to be that much more exciting, and it's going to be fun. Hi Salman. Hi. Over here, straight. Yeah, we request you to please stand up when you have a question. Yeah. Salman, you know the tagline of Big Boss season 9 is wine is very catchy, and what brings you back to Big Boss year after year, because last year you had said that you left the show halfway, and now yes, after you work 3 months, by that time you're exhausted, so everything keeps on coming onto your head. But then there is a long association, and there's a huge connect with all the contestants inside, and as well as the whole, you know, team, the Endemol team, the Colors team,
So you start missing this whole thing after some time. I actually want to do something else, which we will do. Sir, ye studio leak ho raha hai, sir. Seriously? Something, yeah. No. Yahan bhi ho raha hai na? Over and above Big Boss. So, what was I saying, sir? Why you keep coming to Big Boss? Yeah. So, it's you start missing it, you know, and mujhe aisa lagta hai ki जो हमारी कंट्री है, जो हमारी कंट्री की यूथ है, वो एक दिशा में जा रही है. एंड आई थिंक बिग बॉस का ये जो शो है, इट्स अ विंडो टू दैट, बिकॉज सेलिब्रिटीज़, पढ़े लिखे लोग आते हैं, यू नो, जिनका एक माइंड है, जो टेलीविज़न पे बोलने से कतराते नहीं, डरते नहीं हैं, यू नो, कुछ ओवर ड्रामेटिकली कर जाते हैं तो कुछ, यू नो, बहुत ही सटली कर जाते हैं, कोई दिल से लड़ते हैं तो कोई दिमाग से लड़ते हैं. तो इट्स बेसिकली ये जो हमारी दुनिया की खिड़की, हिंदुस्तान की खिड़की ये है. और फिर जो आप लोग टीवी पर देखते हो, आप लोग इसको एंजॉय करते हो. अगर एंजॉय नहीं करते तो देन आउट ऑफ थॉट के यार ये क्या है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट एवरीवन एंजॉयज इट. नॉट ओनली दैट, एवरीबॉडी हु हैज कम आउट ऑफ द बिग बॉस हाउस हैज बीन वर्किंग एवरी सिंगल डे, मोस्ट ऑफ देम. सो इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, यू नो, इन guiding them in the right direction. Sometimes people go overboard. I said, kya main inka father hoon, main inka brother hoon, main kyun bolun? But then ek daira hota hai, because you cross that limit, it doesn't be entertainment anymore. You cross that limit, you don't get work outside. So I just make sure that no matter what, sometimes I get a lot of criticism for, you know, getting into this. It's not my space. Like there was Mr. Bachchan as a host. Whatever happened in the house, he just, you know, didn't react to what happened in the house. But I get involved. I get involved with these people. Then most of them are in touch with me even after Big Boss is over. So I feel that once I am there, let me, you know, be a part of this. And the reason every time main sochta hu ki main ye show nahi karunga, because it starts affecting me. That is the reason why I keep on saying ke, let go, yeah, let's not do this, you know. Ek aur 13 log meri life mein aa jayenge, you know. Why do I have to do this? But then I just feel that it's a good show. It's about people, it's about relationships. That is where my connect is. Main jitni bhi jo mere father ki life ki experience hai, meri life ki experience hai, bhaiyon ki, doston ki, jo bhi life mein dekha hai, ups and downs, wo main agar inke saath share kar sakta hu, then why not? That is my only thing for getting back to Big Boss all the time. Hi, I earlier did not agree with this name at all. I had a big I said no, double trouble. Mere life mein mujhe trouble hi hote rehta hai, ye hote rehta hai. To I said is baar double aayega, main mulaqat nahi hoga yaar, manage nahi hoga is baar. So then they said ki nahi, this is the concept of the whole show. Ghar ke andar ye hone wala, aisa hone wala, waisa aisa hone. I thought it was funny, and I kept on saying, you know, have it double something else. But I think the team wanted double trouble, so I said, kya farak padta hai? Can we get him a mic, please? We can hear him. Abhi pata nahi, aap dekho abhi. Okay, agar main ek kehna chahta hu, aisa thodi hoga ki sirf ladki ladke jayenge ya ladki ladki jayenge. जाएगा ना सर, सब जाएंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स जाएंगे सर इस बार. अतरंगी सर. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर मिस्टर जयकिशन. यू ब्रीफली टच्ड अपॉन इट दैट लास्ट सीजन वाज वेरी गुड फॉर यू विद द काइंड ऑफ ब्रांडिंग एंड ऑल. सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग दिस सीजन, बिकॉज कंसेक्यूटिवली सेकंड ईयर यू हैव कम आउट. आप ही का आदमी है. Yeah, so, see, the show actually gives you an opportunity to be in the houses of the viewers for 105 days at a stretch. So there's no other platform in the country which gives you this access. And the idea is to kind of be a household brand, touching upon everything that you want to buy and make your dil giddy. All right. Hello, Salman ji. Ji, ji, ji. Isme double trouble hai. To kya aapke bhi do roop dekhne ko milenge, prem aur dabang? मेरे तो आपको हमेशा इतने सारे रूप देखने को मिलते हैं, और
दो की सियाक, दो से क्या करोगे, 200 रूप देखने मिलते हैं आपको मेरे, और मैं आपको फ्रीली अलाउ भी करता हूं। हेलो, दो और चाहिए आपको? और चाहिए बहुत, 202 कर दूं मैं? 202 कर, अच्छा चलिए आपके लिए। ओके एंड मिस्टर विलियांग, आप, यू हैव एसोसिएटेड विद बिग बॉस, दिस इज द सेकंड टाइम यू आर एसोसिएशन विद बिग बॉस, सो हाउ वाज इट हेल्प यू टू बिल्ड ब्रांड लाइक? I think this is probably the most biggest and popular reality shows in India market. We agree that, and really fortunately they can get Salman Khan on board is another fortune. You said India market? Huh? Global way. Huh? Global way. We know Big Boss in China. So, so I think this is really for a new brand, because everybody knows that Oppo is not a very strong brand in the past. So when we come in this market, we definitely need a great show and exposure to this market. So I think this is really good fortune to us. Right. Hi, my question is for Mr. Raj Nayak. Sir, Colors has been consistent number one for last couple of weeks. What are the strategies that you are working on? Aap hi ki hai. We are associated with all the right people, as good as that. What are the strategies that you are working on to spruce up on the marketing and the programming front? Ye bhi. Sir, at Colors, we actually don't look at the scoreboard. You know, we just keep playing the game. We give it our best shot. And it's sir, abhi tak tu itna sach bol rahe the, sir. Yeah, but over the next few months, you'll see quite a few new launches, and the idea is to consolidate and build from here. Salman? Double, bolo, pucho. Saath mein pucho, saath mein jawab dunga. Sir, har positive cheez, double hone se sir, mujhe bahut khushi hoti ho, har negative cheez, उसका आधा होने से मुझे सर बेहद खुशी होती है। सर समझ जाओ यार। सलमान? या लेफ्ट, यहाँ सलमान, आपके रियल लाइफ में कोई आपको इतना ट्रबल किया है? ये बड़ा ही सुलझा हुआ सवाल आने वाला है ये। हाँ सलमान, सलमान ये बड़ा गहरा, ये बड़ा डीप, ये बड़ा सोच कर, हाँ मतलब कि ये सवाल ऐसा आएगा कि भैया चलो लास्ट क्वेश्चन प्लीज, ये वाला जी सर पूछिए। अरे इन यू, नो नो, आई एम आस्किंग हिम। अरे रेमो की शक्ल का है। आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सलमान, टॉकिंग अबाउट योर रियल लाइफ, हैज एनीवन फ्रॉम द इंडस्ट्री एवर ट्रबल्ड यू मोर देन वंस? नॉट रियली सर, आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन हु हैज ट्रबल्ड मी। If there's anybody responsible for my troubles, I think it's, you know, it's my luck, it's my destiny, it's me, it's stuff like that. It's my journey. And only from, see, when I, dekho tha na, there's a check, ke agar aisa kuch nahi hota meri life ke andar chota mota, to I would have been a different person. So it just keeps everything, chota 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 trouble hona chahiye life ke andar, so it keeps you grounded somewhere. It keeps you real somewhere. It keeps you balanced. You know, you don't think no end of yourself. You know, it knows ki yaar ye kisi bhi taraf ja sakta hai. You know, you can come out of it. You can, you know, get stuck into this. So you're there. You're suljahwa. You know, as soon as you come in, I see a lot of people come in. They start thinking no end of themselves, and then finish out, gone. We've been lucky, you know. And plus, I've got a very strong family support, which, you know, keeps me going. My friend circle, especially the press, has been really kind to me. Salman, one more. Salman. Bharti Singh, chaata maro ye. Let's say Salman. Yeah. One thing that we have been looking forward for the past seasons and which has not happened
is perhaps your reunion with Shah Rukh on Big Boss. He has always had a film to be released. So will we see it happen this time? Because you have always been extending an invitation. He has also been open to coming and promoting his film on Big Boss. So a film with you and Shah Rukh is not a possibility. So at least a reunion on Big Boss. No, film with him and me on the same day is a possibility. But what about on Big Boss? Dilwale is also coming up. No, I don't think he'll be busy to go inside. No, I don't think he'll go in. Oh, I'm promoting. Salman is the. No, I would love him. I would love him to not. Now see, he knows that I don't mean it. It means if he has the dates and if he wants to come onto the show, he's more than welcome. If he wants to come and go and spend some time with the contestants, he's more than welcome. So I would put it as this, not as I would love him and I want him to come on the show and stuff like that, because then it's carried away in a different thing and there's pressure put there. So he's coming, he should come, he should promote, come have fun, go inside, you know, chit chat with the contestants, give them, you know, his life's experience. You know, he's got a lot of experience in life, and then that's it. Salman, on your right, Salman, yeah, aap kab double honge? दिख नहीं रहा है नहीं नहीं मैं इस डबल की बात नहीं कर रही हूँ कब शादी करेंगे मैंने प्यार किया से लेके आज तक डबल ही हूँ अब ट्रिपल भी होने जा रहा हूँ मैं सुल्तान के लिए नहीं नहीं शादी की कब शादी करेंगे आप इटर्नल क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक व्हेनेवर यू से सलमान आई एम ऑलरेडी इन माय वाइट ड्रेस Just saying, guys, we all get carried away. Let's take the next question. No, no, why you say that? I'm getting carried away right now. Press bhi hai, stage bhi hai, shaadi wadi ka kharcha bhi bad jayega. But for how long? I was thinking for a lifetime. What were you thinking? No, no. We live in India. Aap kya soch rahe hai? Shaadi lifetime ke liye thodi hoti hai. Kaun se zamane mein jee rahe ho? That's really sad. Let's take the next question, guys. कौन टेम्पररी शादी किससे करूं मैं हाय माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर दीपक आपसे हाय हाय माय क्वेश्चन इज एक भाई बहन के साथ कैसे शादी कर सकता क्या Only the guys call me bhai. Itna bura experience hai aapka? Ye bahut bada pressure tha mera mujh pe. Jahan jahan main mind change karta hu, aap. All right. We can keep that debate for another day. Let's go on with the next question, please. Yes. इतना अच्छा debate चल रहा था आपने तो सुना। आधा convince कर रहा था, आधा demoralize कर रहा था। One minute. Let's just take that question, please. Yeah. Hi. My question was to Mr. Deepak. You have experience of shooting Big Boss India for 9 years. So how are you planning the 9th year firstly and secondly how was the first experience of shooting Big Boss China in India Well yeah I mean we've produced this is the 9th season of here the Hindi Big Boss we've produced 3 other regional seasons so obviously there's a lot of experience we bring in a lot of international learnings as well from various seasons of Big Brother across and obviously we've planned a lot of things in the Double Trouble theme I can't speak too much in detail about what's really going to happen week on week. For that, we'll have to tune in. And as for the Chinese version of Big Brother, we extended the invitation to them. They came across. They used our experience and learnings in the last nine years. And like we just thought, there's a mantra of make in India. So we just took that forward and really collaborated with the Chinese team. Salman, here Jyoti here. Jyoti, sir. How are you? All good, sir. आप single कब हो रहे हो, sir? The day you become double, I promise I'll become single. Sir, how sweet, sir. If there is a chance that I
would, by chance, get double, only to get triple, sir, or chobal. Otherwise, sir, I am fine, sir, the way I am, sir. Sir, you have to try my life, sir. You love it, sir. अच्छा सवाल क्या है सर? अच्छा वो सोच के वो सवाल था? नहीं वो सवाल वो स्टेटमेंट था आपका. स्टेटमेंट था. अच्छा थैंक यू सर. इट्स ऑलमोस्ट सिल्वर जुबली सिंस यू एंटर्ड फिल्म्स एज एन एक्टर एंड यू हैव बीन एंकरिंग माशाल्लाह बेटर एंड बेटर एवरी टाइम स्पेशली बिग बॉस इज कंसर्न. थैंक यू सर. तो व्हाट डू यू यूज फ्रॉम योर एस्पेक्ट एज एन एक्टर इन बिग बॉस एज ए होस्ट एंड व्हाट यू यूज व्हाट यू डू इन बिग बॉस एज ए होस्ट व्हेन यू सेट आउट टू एक्ट? सर आई डोंट यूज एनीथिंग सर. In Big Boss, I don't, as an actor, I don't use anything, sir. Not 1% of acting or anything that you'll see of me in Big Boss. I mean, if you see, there sometimes they cut off stuff that I say. I mean, and that's my life. And I, you know, share it with these people because I know that I'm sharing it with these people because the situation that they're going through there in the house is such that it reminds me of a situation that I've gone through in my life or a friend of mine has gone through in his life, you know. So I share that. Sometimes, you know, they keep it, sometimes they cut it out. But there's nothing as a star as Salman Khan, the actor. It is always Salman Khan, the person. Salman Khan, Salim Khan's son, Sohail Khan's brother, Arbaaz Khan, Alvira, Arpita's brother. Just this and friends, what I've learned, what, you know, what all I've heard, read, you know, what are my experiences, what I've seen. I just keep on putting that thing. And, you know, sometimes it doesn't come to me. And I keep on watching the shows all the time. So when I see it coming, what I do is, jab aata hai, to make a note down. And I put it in the next episode. So what I do is, ke, bhul gaya. Isne ye bola, ya, bhul gaya. I should have said this. So I get a chance the next week. So I say, you know, ye aisa hua tha tumhare saath. Mere saath aisa hua tha. So then I give them an example of that. That. I think that is the reason you connect to the common man Jee, through sir. The show. Jee, sir. Thank because you. Because mere saath jo hai, as you all must have noticed, what I'm with my friends, what I'm in the living room, I'm with everyone. My bedroom is my bedroom. Apart from that, my living room is the country. I watch it every day. If I don't get to watch it every day, then I make sure that I catch it every alternate day. They give me all the DVDs they gave me. And then I see it one night before, and in the morning, I've made my notes, and in the morning, I see the whole thing again. Yeah, my mom also does that. My mom also likes it. My mom and Hiru auntie, Huma auntie, everyone, you know, all the whole group, they like it. And that is actually my barometer to this show. You know, sometimes they say, "Isko kya ho gaya?" She was so nice, or he was so good, what has happened? So that's when I come back and tell the contestants as well. I say, you know, my mom was saying this, you know, Karan's mother was saying this, you know, Prem uncle's, you know, Mrs. You know, Manti was saying this. So these are the people, you know, are, because they're, you know, samajhdar log, you know, they're, you know, senior people, but they're young at heart, you know, they're fun loving, but there is a line that one should not cross. All right, we're going to take the last question. So. Hi. What? Hi. If you're not good at what you do, then there is a problem of overexposure. But if you're doing your thing right, earnestly, and with all, you know, all your heart, and people are liking, then I don't think there's anything as overexposure anymore. Hi, my name is Himanshu and my question is for Mr. Dhar. Can you share some detail about how the Big Boss house is looking this year? Well, honestly, I can't share the details of the house or the design or the layout. Like I said, everything is planned with Double Trouble as a theme. So, you know, that says it all. So, really can't really reveal too much about this house. I think that here, Dinesh. Yes, we'll take your question. Yeah. How's it going? What? We'll do two questions, one and two.
Yeah, we're going to take two questions. One, this lady, and you, sir. It's just a coincidence. Nothing was planned like this. But now that it is, we'll take credit for it. since he was the host, you know, so Raji thought it was only fair to, you know, launch the show on Bachchan Saab's birthday. Mr. Bachchan comes on the set that day, we'll cut a cake also. This is our way to say a happy birthday to you, sir. Not true at all. Last season, I was shooting for Bajrangi Bhaijaan, so I had to leave. Farah came in. And the TRPs, hakikat baat hai, TRPs were much higher than, not much higher, higher than where I left it. They're fans who do that, and they keep on doing that over and over again. It's respect to them. Last sawal hai, aisa poochho ki sunai de. Abe yaar, ye kya seriously bahut leak ho raha hai. Can we please send a mic there? It's really leaking, yeah? Yeah, I'm telling you. Poochhe? Huh? इनको पता था कि ये लास्ट सवाल है. तालियां मैडम के लिए. क्या जज्बाती सवाल लाइए मैडम आप.